हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अब पिछली क्लास में आप लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में हम थे, मतलब थर्ड क्वेश्चन आज है, सेकंड तक आपने कर लिया था पहले का। थर्ड क्वेश्चन में भी देखो क्या करना है, दोनों मेथड्स आपको सॉल्व करना है। थर्ड में भी पहले एलिमिनेशन मेथड से फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो विलोपन विधि सबसे पहले यूज करना है, कल आपको बता दिया गया था विलोपन विधि में कैसे सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन आपके पीछे हुए हैं, फिर एक बार देखते हैं। पहले देखो ये इक्वेशन कौन कौन सी, 3x माइनस में 5y इक्वल टू, ये माइनस 4 उधर जाए क्या होगा 4, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में देखो 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो 2y को उधर लाओ, तो 9x माइनस में 2y इक्वल टू 7, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमने क्या किया था, कोफिशियंट को सेम करना होता है हमें, कि किसी एक कोफिशियंट को सेम करते हैं, जिससे ये वन वेरिएबल में हो जाए, रिमूव कर देते हैं एक को, काट देते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस करके को हटा देते हैं। तो देखो अभी हमें यहाँ पे चाहे तो एक्स को रिमूव करना हो या वाई को, अगर कोफिशियंट सेम करना है, यहाँ पे 3x है मान लो और यहाँ पे 9x है। अब हमें करना है इक्वल, वो भी मल्टीप्लाई से, प्लस नहीं, प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सेम। देखो कैसे करेंगे इक्वल, हम किसका किस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करें, किस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाए। तो जब भी ऐसा करना हो तो इसमें 9 है तो ये 9 का मल्टीप्लाई इसमें, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 27x और यहाँ भी आ गया 27x, तो इससे क्या हो जाएगा ना, अपना कोफिशियंट सेम। तो ये करना है हमें, यहाँ पे देखो यहाँ लिख लो मल्टीप्लाई बाई 9 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो पहले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने देखा 9 3 27, यहाँ पे 3 9 27 दोनों इक्वल। लेकिन जब इसमें मल्टी इक्वेशन का मतलब होता है कि राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 9 का मल्टीप्लाई 3 में 9 3 27x, 9 5 45y, 9 4 36, ये हो गया पहले थर्ड इक्वेशन, मान लीजिए एक नया इक्वेशन बन गया। अब 3 9 27x और 3 2 6 6y, 3 7 21, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन, नई इक्वेशन बन गया। अब देखो यहाँ पे 27x कल बताया गया था आपको पिछली क्लास में कि 27 यहाँ पे अगर सेम साइन हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अगर अपोजिट होता तो हम प्लस करते हैं। तो यहाँ माइनस करने पर तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ बाय इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड से क्या किया, फोर्थ को माइनस करना है। माइनस करने के लिए एक लाइन बनाओ, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस। 27 माइनस करो, कैंसिल, जीरो आ गया, 45 और यहाँ पे प्लस 6 है। तो यहाँ पे देखो 45 ज़्यादा है और 6 क्या है, कम है, और ज़्यादा वाली वैल्यू क्या है, माइनस में, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 39y। ठीक, 45 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 39y इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस करो 6 में से 1 माइनस करो 5, 3 में से 2 माइनस करो 1, तो y इक्वल टू यहाँ से मिल गया आपको माइनस में 15 अपन में 39। तो ये आ गया क्या आपका -15/39। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक, इसकी वैल्यू पुट कर दो किसी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो 3x और माइनस में 5, y की वैल्यू कितनी है, -15 अपॉन में 39 और पहले को इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो 3x माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस, 15 5 75 अपॉन में 39 इक्वल टू 4। अब यहाँ से 3x इक्वल टू यहाँ 4 माइनस में 75 और माइनस में 4 माइनस 75 अपॉन में 39।
अब आपको क्या करना है यहाँ पे वन, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इक्वल टू 4 9 36, 4 3 12 3 15, माइनस में 75 अपन में 39, 3x इक्वल टू अब 6 में 5 माइनस टू 1 और यहाँ से 15 7 माइनस टू 8 अपन में 39। अब यहाँ पे 3 है, 3 इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 81 अपन में 39 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कट जाएगा देखो, 3 2 6 यहाँ पर से क्या 2 3 7 21, तो x इक्वल टू क्या आ गया 27। अब यहाँ देखो 27 भी कट जाएगा, 27 अपन में 39, 3 9 जा और 3 1 3 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13। ये आपने यूज किया कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड पहले। तो एलिमिनेशन मेथड से आपने सॉल्व किया, तो यहाँ y की वैल्यू आई -15/39, x की वैल्यू आई 9/13। ठीक, अब दूसरी बार हम इसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो इसे नोट कर लो आप, फिर देखते हैं आगे। फिर से देखो आपके सामने यही इक्वेशन दोनों हैं, अब आपको पहले की तरह यूज करना है। यहाँ पे देखो प्रतिस्थापन में आपने क्या किया था, पहले प्रतिस्थापन में क्या होता था कि एक इक्वेशन को लेते हैं कोई भी इक्वेशन को, अब क्या करते हैं उसको पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ बाई सेकंड इक्वेशन देखो, बाई इक्वेशन सेकंड देखते हैं, बाई इक्वेशन सेकंड दूसरे इक्वेशन के द्वारा देखो क्या है, 9x = 2y + 7 है, तो यहाँ से मिल जाएगा x = 2y + 7/9। अब देखो x की वैल्यू पुट कर दो पहले इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द प्रतिस्थापित करने पर द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर अब देखो यहाँ 3 है मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2y + 7/9 ब्रैकेट क्लोज माइनस में 5y - 4 = 0। तो यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई करो या 3 3 9 कैंसिल हो गया, तो 2y + 7/3 - 5y = ये 4 उधर ले गए, 3 का मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड बाई 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2y + 7 - 15y = 3 नीचे था इधर आके मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ से देखो 15 और 2 तो यहाँ पर आ गया माइनस में 13y और ये 7 उधर गया 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5/13 और y की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू यहाँ पुट करो 9x = 2 - 5/13 + 7, तो 9x = 5 2 10 - 10 अपन में 13 प्लस में 7 अपन में 1, तो 9x = -10 + 91/13, तो x = 91 10 - 81/13 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो 9 और 9 9 81 और यहाँ पे मिल गया x की वैल्यू 9/13। तो ये मिल गया आपको x और y की तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, तो ये हो गया आपका पहले का थर्ड क्वेश्चन खत्म। ठीक, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो, धन्यवाद।